दोस्तों मैं हूं शुभम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टेक्निकल नॉलेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया देश और दुनिया जुड़ी कुछ नई टेक अपडेट, तो चलो शुरू करते हैं आज से वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों पहली अपडेट है वो है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M10 और सैमसंग गैलेक्सी M20 को लेके। दोस्तों यदि आपके पास ये स्मार्टफोन है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अब सैमसंग गैलेक्सी M10 और सैमसंग गैलेक्सी M20 के लिए यहाँ पर एंड्रॉयड पाई बेस्ड वन UI जो है वो रोल आउट कर दिया गया है दोस्तों। मतलब अब आपको यहाँ पर एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिल गया है, और ना मिला हो तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो अपडेट आया है ये यहाँ पर May 2019 के सिक्योरिटी पैच को साथ में लेके दोस्तों रोल आउट किया गया। दोस्तों अगले अपडेट है वो है यहाँ पर गूगल डूडल के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज से यहाँ पर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आगाज हो चुका है दोस्तों, और इस मौके पर आज गूगल ने अपने एक नया डूडल जो है सामने लेके आया दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पर गूगल का ओ रहता है वहाँ पर एक बॉल दिखाई जा रही है दोस्तों, यहाँ पर जो गूगल का एल होता है वहाँ पर जो विकेट्स हैं मतलब स्टम्प हैं वो दिखाए जा रहे हैं। तो यदि आप इस डूडल पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मैचेस से संबंधित सारी जानकारी और साथ ही जो उसके स्कोर्स वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी सामने शो होती है, और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगले अपडेट है वो है यहाँ पर हुआवे को लेकर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हुआवे यहाँ पर बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहा है, और दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर SD एसोसिएशन और साथ ही वाईफाई अलायंस ने भी इसको जो अपनी लिस्ट से अलग कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों वापस से यहाँ पर SD एसोसिएशन और साथ ही वाईफाई अलायंस ने इसको अपनी लिस्ट में वापस से ऐड कर दिया है। मतलब ये यहाँ पर फिलहाल हुआवे के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि अब हुआवे SD कार्ड और साथ ही यहाँ पर जो वाईफाई डिवाइस है उनको यूज़ कर सकता है, उनको बना सकता है दोस्तों। ये फिलहाल उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों हाँ यहाँ पर ये टेम्परेरी है या फिर लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर लिस्ट कर दिया गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वैसे दोस्तों फिलहाल जो ये खबर निकल के आई है ये हुआवे के लिए काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों अगली अपडेट है वो है यहाँ पर ASUS ZenFone 6 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये स्मार्टफोन जो लॉन्च हो चुका है दोस्तों, इसमें हमको बहुत ही कमाल का यहाँ पर कैमरा मैकेनिज्म देखने को मिला है दोस्तों, ये काफ़ी कमाल स्मार्टफोन है। और दोस्तों यहाँ पर एक लीक्स निकल के आई है कि ये जो स्मार्टफोन है बहुत जल्द इंडिया में आने वाला है दोस्तों, जो कि यहाँ पर इंडिया में लॉन्च किया जाएगा लगभग 16 जून को। दोस्तों ऐसी लीक्स निकल गई 16 जून को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा दोस्तों, और यदि ये लॉन्च हो जाएगा तो किस प्राइस पे आता है ये हमको देखना है। बाकी दोस्तों स्मार्टफोन ये काफ़ी ही ज़बरदस्त है। दोस्तों अगली अपडेट है वो है यहाँ पर Redmi K20 Pro के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा रिसेंटली Redmi K20 और K20 Pro यहाँ पर लॉन्च कर दिए गए हैं, जो कि काफ़ी एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च किए गए हैं दोस्तों, और यहाँ पर इनके कुछ वेरिएंट भी निकल के आए हैं। जैसे कि K20 है वो 2 वेरिएंट में सामने आया, और Redmi K20 Pro है वो 4 वेरिएंट में निकल के सामने आया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अब रिसेंटली एक लीक निकल के आई है जो कि टीना पर भी लिस्टेड कर दिया गया है दोस्तों, कि यहाँ पर जो Redmi K20 Pro है उसके एक नया वेरिएंट सामने देखा गया है, जो कि है यहाँ पर 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ में। और तो यहाँ पर माना जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है ये लगभग 35,000 रुपये के आसपास आएगा। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर Redmi K20 Pro का एक नया वेरिएंट भी सामने निकल के आ रहा है, ऐसा लीक्स अनुसार पता चला है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस टाइम बेल आइकन उसको दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।